एचएमए ग्रुप पर आईटी की टीम ने छापेमारी की थी। आगरा के बाद उन्नाव में भी एचएमए ग्रुप के इस एओवी स्लाटर हाउस में छापेमारी हुई थी और अब आईटी की टीम जो है वो शनिवार की सुबह यहाँ पर छापेमारी की थी, जिसके बाद आज चौथा दिन है। आईटी की टीम जो है वो अभी भी अंदर है और उनके साथ जो सीआरपीएफ के कुछ सिपाही थे वो भी अभी अंदर हैं। हालाँकि आईटी की टीम लगातार इस जो पूरे मसले में टैक्स चोरी के मसले में जो लगातार जाँच कर रही है, और ये भी सूत्र बताते हैं कि जो शोएब आगरा हैं जो कि इस कंपनी के डिप्टी चेयरमैन है और क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स में है एचएमए ग्रुप के, उनका जानवर सप्लाई का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी चैन है उनके पास जो कि उन्नाव में और उन्नाव के बाहर जो स्लाटर हाउस है वहाँ पर उनके द्वारा जानवरों की सप्लाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो उनके जो लेन देन है, चाहे वो बैंक के हों या फिर कैश के लेन देन हों, वो आईटी की टीम खंगाल रही है, क्योंकि करोड़ों रुपये के लेन देन जो है वो आईटी की नज़र में आए हैं, तो उसको लेकर भी आईटी जो है वो जाँच कर रही है। सूत्रों ने ये भी खुलासा किया है कि शोएब जो है वो जानवरों की सप्लाई का बड़ा काम करने के साथ साथ उनके पास जो संपत्तियां हैं उनकी जांच जो है वो भी आईटी की टीम कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस जो हैं उनके वो कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं घालमेल किया गया है फर्म के द्वारा भी और शोएब के द्वारा भी। तो अब कहा जा सकता है कि आईटी पूरी तरीके से शोएब आगरा पे शिकंजा कस रही है, जो कि डिप्टी चेयरपर्सन है, और जो उनके जानवरों के सप्लाई को लेकर जो लेन देन हुए हैं उस पर बहुत तेज़ी से और बहुत बारीकी से जांच की जा रही है। तो अब शोएब आगरा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब टैक्स चोरी के जो प्रमाण हैं, जो सबूत हैं, वो आईटी के हाथ लग चुके हैं और शोएब आगरा अब कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसते नज़र आ रहे हैं, जो कि लंबे समय से, क्योंकि उनसे भी पूछताछ हो रही है, कंपनी के अन्य लोगों से भी पूछताछ हो रही है, जो अकाउंट से जुड़े लोग हैं उनसे पूछताछ हो, उनके बोगस खातों की जाँच भी बहुत बारीकी से आईटी की टीम कर रही है। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज़।